हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, संकीर्तन आंदोलन। ये जो हमारा आंदोलन है ये है संकीर्तन आंदोलन, इसीलिए इसका जो नारा है वो ये है कि प्रचार हमको करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धामवास के विषय में बहुत से लोग अपनी अपनी जो धारणाएं बताते हैं। श्रील प्रभुपाद और हमारे और भी आचार्यों का अलग अलग मत है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि, हमारे सभी आचार्यों का अपना अपना मत है। लेकिन क्योंकि हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद है, इसीलिए हमको मुख्यतः उन्हीं के आदेशों का पालन करना है। क्यों प्रभुपाद के आदेशों का पालन करना है, इस बारे में एक बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसीलिए हमको श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करना है क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने सभी आचार्यों के मतों को लेकर के मंथन करके उसमें से जो सारभूत था वो हमको दिया है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद हमारे वर्तमान आचार्य हैं, इसीलिए हमको मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद की बातों को ही मानना है। ऐसा नहीं कि हम पूर्वाचार्यों का वहां पर अनादर करना चाह रहे, नहीं, हमारा वो भाव नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सारे पूर्वाचार्यों की बातों को लेकर के ही इस्कॉन का जो ये संस्थान है ये खड़ा किया है। हाँ, सारे पूर्वाचार्यों का भाव मत लेकर के ही। तो आप लोगों को भी शायद आप लोग गए हो वृंदावन, तो ऐसा देखने में लगता है कि ये जो ब्रजवासी हैं, एक्चुअली कहाँ भक्ति वक्ति तो मुझे इतना दिखाई नहीं देता। देखिए भक्ति जो है असल में हम लोग अगर सोचें कि केवल आप भाव भाव में एकदम चले जाओ, एकदम से ऊंची छलांग लगा दो, नहीं चलेगा। आपको धीरे 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 भाव की स्थिति में पहुंचना है। अब एकदम से ही आंसू बहाने लग जाओ और बस हाथ पैर पटकने लग जाओ, रोने लग जाओ विरह में, नहीं, शुरुआती स्टेज ये नहीं है, बहुत टाइम लगता है इस स्थिति में पहुंचने में। पहले धीरे धीरे बात शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? पहले हम साधारण जो हमसे ऊपर लेवल के भक्त, धीरे धीरे हम उनके संग में आते हैं, वो हम कुछ सिखाते हैं कि हमको कैसे चैंटिंग करनी है, कैसे हम जप करना है। यदि जो मूलभूत बातें हैं वो हमको हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं वो समझाते हैं, तो धीरे 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 हम भक्ति के लेवल पे आगे बढ़ते हैं। एकदम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों का जो भाव है वो सीधा भाव के लेवल में, लेकिन हमको उनकी नकल नहीं करनी। और आजकल के जो ब्रजवासी हैं, मुझे खैर उनके विषय में कुछ कहना नहीं है, लेकिन सब समय पान चबाना, पान मसाला खा करके थूकते रहना, तो इसीलिए मेरा तो वैसे मन भी था, मैंने बोला भी था प्रभु जी से जब हम उज्जैन में थे कि मेरे माता पिता तो अकेले ही रहते हैं, क्यों ना हम लोग उनके साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं उज्जैन में, और उज्जैन में रहकर के हम लोग प्रचार करें। उज्जैन में बहुत ज्यादा जरूरत है प्रचार की। क्यों? क्योंकि वहां पर तो सब महाकाल के भक्त। एट द सेम टाइम मैं आपको बताती हूँ सच्चाई, क्योंकि मैं उज्जैन से हूं, मैं जानती हूँ उन सो कॉल्ड महाकाल के भक्तों की सच्चाई क्या है। ठीक है, जो आपको सुबह तो
ऐसा लगेगा देख करके उनको कि आ हा हा माथे पर त्रिपुंड लगा करके या बड़ा सा तिलक लगा करके महाकाल मंदिर जाते हैं। हाँ, गले में भगवा गमछा है, पैंट शर्ट पहन के बड़े अच्छे से। लेकिन जब मंदिर से निकल के आते हैं तो उनकी तो बातों में ही गालियां बरसती हैं। ठीक है, मंदिर की गली से बाहर आएंगे, नुक्कड़ पे क्या बोलते हैं वो, क्या होती है, रेड़ी, पान, गुमटी होती है ना, पान बीड़ी सिगरेट की, वहां पर जाकर के दोस्तों के साथ एक हाथ में बीड़ी सिगरेट चल रहा है, एक हाथ से मुंह में पान डाल रहे हैं, इधर थूक रहे हैं उधर फूक रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और रात को वही जय महाकाल बोलने वाले महाकाल के भक्त अपने आप को दिखाने वाले रात को किसी गंदे कोने में पड़े रहते हैं दारू पी करके। ये है सो कॉल्ड महाकाल के भक्त। अपने आप को बोलते हैं महाकाल के भक्त, लेकिन वो कोई महाकाल के भक्त नहीं है। क्योंकि महाकाल का भक्त जो है वो तो वो करेगा ना जो महाकाल को पसंद है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी क्या मैं उदाहरण दिया पर किसी फिल्म एक्ट्रेस का या फिल्म एक्टर का वो है, फैन है। ठीक है, तो क्या करेगा जो उस व्यक्ति को पसंद है। इससे भी अच्छा उदाहरण मैं यहाँ पर आप लोगों को दूंगी कि एक प्रेमी या प्रेमिका वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए क्या करेंगे जो एक दूसरे को पसंद हो। ठीक है, गिफ्ट ला करके देना या कुछ भी, मतलब अच्छा सा खाना पका करके खिलाना इत्यादि। इससे क्या होता है, सामने वाला खुश होगा। ठीक है, तो जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसके आप भक्ति कर रहे हैं, आप उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ करेंगे। तो महाकाल की प्रसन्नता किसमें है, महाकाल की प्रसन्नता इसमें है जो महाकाल खुद करते हैं वो आप करो तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। और महाकाल क्या करते हैं, वो तो शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। हाँ, वैष्णवों में सबसे ऊपर है महाकाल, शिव भगवान या भोलेनाथ। तो अगर आप सच में उनको खुश करना चाहते हो तो आप वो कीजिए जो उनको पसंद है, लेकिन आप तो वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ढोंग कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, आडंबर दिखावा कर रहे हो। इसीलिए उज्जैन जैसी जगह में इस्कॉन कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक-एक मतलब गलियों में किस प्रकार के लड़के वहां रहते हैं, सब गली गली में गुंडागर्दी है, राजनीति है। आपको मैं बताऊं, ये हालत है वहां पर, वहां के लोग इतने ज्यादा मतलब एक खराब कल्चर के अंडर में आ चुके हैं। मैं क्या कहूं, अभी कुछ समय पहले जब मैं उज्जैन में थी शादी से पहले, तो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसका नाम था दुर्लभ कश्यप। ठीक है, लेकिन उसकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 20 साल से भी कम उम्र, 20 से भी अंडर थी उसकी एज। लेकिन गैंग वॉर में किसी गुंडे की गोली से मर गया। और आज उज्जैन की जनरेशन उसको फॉलो करती है कि वो जैसे रहता था, छोटी छोटी पैंट्स पहन के, आजकल पता नहीं क्या फैशन है, पैंट्स पहनते हैं लेकिन उसको ऊपर खींच करके छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे काला गमछा, यहाँ पे बड़ा सा लाल गोल गोल बिंदी, अजीब सा ही एक फैशन फॉलो करते थे, काला सूरमा आंखों में, और इस प्रकार से एक बहुत ही गंदा सा अपने आप को बना करके और दिन भर इस तरह से गुंडागर्दी पूरे शहर में फैलाते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, उज्जैन में आज भी दो आतंकी संगठन काम करते हैं जिसका नाम है सिमी
और इंडियन मुजाहिद दिन, ठीक है, ये दो बड़े बड़े आतंकी संगठन आज भी गुप्त रूप से उज्जैन में काम करते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है जो मुसलमानों का है, बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान रहते हैं, और कुछ ही साल पहले दंगे भी हुए थे। गणेशोत्सव होता है ना, गणेशोत्सव 10 दिन का जो गणेशोत्सव होता है, गणेश जी की मूर्ति बिठा करके उत्सव होता है, तो उज्जैन में भी था। तो एक जगह उज्जैन में पांडाल बना, गणेश जी की मूर्ति बिठाई, और उसी समय रमजान भी चल रहे थे, तो बहुत खतरनाक दंगे हुए थे। तो देखिए, लोग सोचते हैं कि हम अपना भजन सुधारने के लिए हम तो धाम में जाकर के बस जाएंगे, साथ दुनिया जाए भाड़ में, हम अपना भजन सुधारने के लिए धाम में या वृंदावन या मायापुर में जाकर के वास करेंगे। लेकिन आप अपना भजन तो सुधार लोगे, लेकिन इन भटके हुए जीवों को पुनः उनके गंतव्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाने का काम अगर आप करते तो वह ज्यादा बेहतर होगा। और वही प्रचार आंदोलन श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है। तो अगर हम सच्चे मायने में श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको प्रचार करना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे धाम के विषय में, तो वृंदावन, किस प्रकार से वृंदावन जब पहुंचे हैं श्याम सुंदर, तो वहां श्रीमती राधा रानी को, भगवान के श्री अंग को स्पर्श की हुई हवा ने जब स्पर्श किया तो श्रीमती राधा रानी पुनः उठ खड़ी हुई, और जो रथ था तीनों भाइयों का, उसको वृंदावन के अंदर खींचने लगे, क्योंकि राधा रानी तो वृंदावन की सीमा पर थी ना, आज कन्हैया आएंगे कल कन्हैया आएंगे, इस आस में वृंदावन की बॉर्डर पर ही श्रीमती राधा रानी राह देखा करती थी। तो उस रथ को पकड़ करके, तीनों के रथ को खींच रहे हैं ब्रजवासी, वही रथ यात्रा की परंपरा आज तक है, और कई कई पुराणों में इसका वर्णन है। ये जो रथ यात्रा है ये आजकल की नहीं है, इसका करोड़ों वर्षों पुराना इतिहास है, अनगिनत वर्षों पुराना, कोई नहीं जानता कि रथ यात्रा कब से हो रही है। और क्योंकि जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और जो जगत मंदिर है, जगत मंदिर बोलते हैं जो जगन्नाथ भगवान को जो मंदिर है ना, उसको जगत मंदिर बोलते हैं। जगत मंदिर कभी भी प्रलय में भी डूबता नहीं है। तो वहां पर एक रोहिणी कुंड है, जहां तक मुझे याद है उसका यही नाम है, रोहिणी कुंड, शायद यही नाम है। तो रोहिणी कुंड जो है, उसमें उसका जो जल है, प्रलय का जो समय होता है ना, प्रलय का, उस रोहिणी कुंड में से जल बाहर आकर के पूरे ब्रह्मांड को डुबा देता है। तो उसी रोहिणी कुंड का जल बाहर आकर के प्रलय का कारण बनता है, ठीक है। और जब प्रलय समाप्त होना होता है तब सारा जल सिमट करके उसी रोहिणी कुंड में चला जाता है, समा जाता है, ठीक है। तो ये एक रोहिणी कुंड रह गया था। और एक महत्वपूर्ण चीज, तो रथ यात्रा से संबंधित सभी सारी लीलाएं हम चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार से तीनों भाई बहन आते हैं, किस कारण से उनके विग्रह ऐसे हैं, अद्भुत रूप जो है, बड़ी आंखें, कान नहीं, नाक नहीं, पैर नहीं, छोटे छोटे हाथ इत्यादि, ये जो उनका स्वरूप है ये क्यों बना, इससे जुड़ी हुई दो कथाएं हम सुन चुके हैं, ठीक है। आज एक हुई और कल परसों में भी एक हो गई, माता रोहिणी जो कथा सुनाती है इत्यादि, ठीक है, क्लियर। भगवान का स्वरूप ऐसा क्यों है उस पर चर्चा हो गई, भगवान का धाम कब से है उस पर चर्चा हो गई, धाम ऐसा अद्भुत है उस पर भी चर्चा हो गई। अब हम जो मंदिर के अंदर कुछ एक और एकाध जो मंदिर है उस पर और हम चर्चा करते हैं।
तो मंदिर का जो गुंबद है वो 250 फीट से भी ऊंचा है, ठीक है, 250 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 270 फीट से भी ऊपर है, बहुत ऊंचा गुंबद है। और एक आश्चर्य की बात, अब ये कितना सच है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं, कुछ सीनियर डिवोटीज से भी सुना है, कि जो भगवान का जो श्री मंदिर का जो गुंबद है जिसके अभी हम चर्चा कर रहे थे, 250 या 270 फीट ऊंचा, उसकी परछाई किसी को जमीन पर दिखाई नहीं देती। इतना लंबा वो गुंबद जो है उसकी परछाई किसी को जमीन पर दिखाई नहीं देती। और ध्वजा से संबंधित हम सारी बातें कर चुके हैं कि ध्वजा रोज बदली जाती है और वो हवा की विपरीत दिशा में उड़ती है, ठीक है, और ध्वजा बदलने वाली जो एक फैमिली है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस उसी को ये सेवा मिली हुई है, उन्हीं की फैमिली से ये काम, ये सेवा चलती रहती है, ध्वजा बदलने की जो सेवा है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ध्वजा बदलने के लिए जो पंडा चढ़ता है ऊपर, वो कुछ पकड़ता नहीं है, उसको कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही चढ़ जाता है, और वो भी उल्टा चढ़ता है, गुंबद की तरफ मुख करके नहीं चढ़ता, वो ऐसे चढ़ता है, इधर गुंबद है, ऐसे उल्टा चढ़ता है। ऐसा बोलते हैं कुछ सीनियर डिवोटीज से, मैंने सुना भी है। तो ये कितना सच है देखने पर पता चलेगा। तो ये है। और इसके अलावा आप लोगों को एक और मैंने बात बताई थी जिसको बोलते हैं कलेवर, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, भगवान का कलेवर जो है, रूप जो है, जो मूर्तियां हैं, जो विग्रह हैं, वो हर 12 साल में बदलते हैं। और कब बदलते हैं, जब दो आषाढ़ पड़ते हैं, पुरुषोत्तम मास होता है ना, अधिक मास जिसको बोलते हैं, तो वो अधिक मास जब आषाढ़ में आता है उस साल में विग्रह बदलते हैं। अब वो जरूरी नहीं कि 12 साल हो, वो 15 साल हो सकते हैं, 18, 20, चाहे जितने साल हो सकते हैं, लेकिन आषाढ़ डबल होना चाहिए। 2015 में नव कलेवर, जी याद आ गया मुझे नाम, नव कलेवर बोलते हैं उस लीला, उस उत्सव को, नव कलेवर मतलब भगवान, तीनों जो चारों विग्रह हैं, कौन चार, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, इन चारों के जो विग्रह हैं वो नए बनते हैं जिस साल में दो आषाढ़ पड़ते हैं। याद रखिएगा, जिस साल में दो आषाढ़ पड़ते हो उस साल में नव कलेवर होता है। 2015 में हुआ था पिछली बार। तो अब ये जो पुराने विग्रह हैं, प्राण मोहन प्रभु जी अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को याद है, कि तब पुराने विग्रहों का क्या किया जाता है माता जी, उन्होंने पूछा था, तो मैंने पता कर लिया है, मैं बताती हूँ। अब प्रभु जी तो है नहीं, आई होप वो बाद में सुन लेंगे क्लास, या नहीं सुनते तो माता जी बता देंगे, पड़ोस में ही रहते हैं 3 कदम की दूरी पर घर है तो देखिए ऐसा है, आपको मैंने बताया था कल या 2 दिन पहले जो क्लास हुआ था उसमें बताया था, कि जो पुराने विग्रह हैं, और एक बहुत आश्चर्य की बात है कि जो भगवान के विग्रह हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, ये ऐसे विग्रह हैं जिनमें सच में दिल धड़कता है, जैसे हमारा दिल धड़कता है ना, वैसे उनका भी दिल धड़कता है, अंदर आप हाथ नहीं लगा सकते वैसे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि साक्षात साक्षात जगन्नाथ स्वयं है, वो लकड़ी नहीं है,
साक्षात भगवान है, खुद है। तो तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के जब नए विग्रह बनते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और सच में प्राण प्रतिष्ठा ही होती है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सच में प्राण प्रतिष्ठा होती है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पूरे नगर की, पूरे जगन्नाथपुरी की लाइटें बंद कर दी जाती है, ठीक है, और पंडा लोग अपने मुख पर कपड़ा बांध करके ताकि वो देख ना सके नए विग्रहों को लेकर मंदिर के अंदर जाते हैं, और पुराने विग्रहों के अंदर से हृदय निकाल करके नए विग्रहों के अंदर स्थापित करते हैं। वहां तुलसी भी होती है, जो जब ये पुराने विग्रह जब स्थापित किए थे तब तुलसी अंदर रखी जाती है प्राणों के साथ में, वो तुलसी के पत्ते बिल्कुल वैसे के वैसे ही मिलते हैं जैसे पुराने विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की थी तब, बिल्कुल ताजा, मुरझाए नहीं होते। पुराने विग्रहों में से जब प्राण निकाल करके नए विग्रहों में प्रतिष्ठा की जाती है तो अंदर से जो तुलसी पत्र निकलता है वो भी वैसा का वैसा ही रहता है, एकदम तरोताजा, मुरझाया नहीं होता। अब प्रश्न आता है, प्रभु जी ने पूछा था कि पुराने विग्रहों का तब क्या किया जाता है, तो वहां पर एक स्थान, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसमें आगे वैकुंठ बोलते हैं उसको, हाँ वैकुंठ, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, एंड एंड का मुझे याद आ रहा है वैकुंठ। तो उस जगह पे ले जा करके उन पुराने विग्रहों को समाधिस्थ किया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये पॉइंट्स। पुराने विग्रहों को वहां पर समाधि दे दी जाती है और नए विग्रह रत्न वेदी पर, रत्न सिंहासन पर श्री मंदिर के अंदर विराजमान हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी आपको याद ही कर रहे थे प्रभु जी, आप बहुत जिएंगे, बहुत जिएंगे। अरे माता जी, कल से ही लाइन नहीं है, रिचार्ज भी नहीं है, बात कर रहे हैं, अब लाइन आएगा तब चार्ज होगा, तब फिर हम यूट्यूब से जुड़ करके सुनेंगे। अभी प्रभु जी आप जल्दी से एक बात सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन किया था कि जब नव कलेवर होता है तो जब नई मूर्तियां बिठा दी जाती है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, तो पुरानी मूर्तियों का क्या किया जाता है, आपने प्रश्न पूछा था, याद है आपको? जी 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 जी। तो उसका आंसर आप सुन लीजिए, देखिए जब प्राण नए विग्रहों की जाती है, पुराने जो विग्रह है उसमें से प्राण निकाल करके पंडा मुख ढक के जाते हैं, उनको देख नहीं पाते उस घटना को, प्राण निकाल करके जो नई मूर्तियां बनती है उसमें प्राणों को स्थापित करते हैं, तुलसी पत्र भी अंदर से निकालते हैं, और जो पुराने तीनों विग्रह हैं उन पुराने विग्रहों को समाधि दे दी जाती है, समाधि। अच्छा अच्छा, एक जगह है वहां पर, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई, अभी भूल गई मैं, उसका नाम पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अंत का जो शब्द याद आ रहा है वैकुंठ, हाँ, तो वहां पर ले जा करके पुराने विग्रहों को समाधिस्थ कर दिया जाता है, ठीक है। हमारे साथ गोपाल प्रभु जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आई थिंक उन्होंने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत महाजी। वो भगवान का जो समाधि दिया जाता है हमारे जगन्नाथ धाम में, उसको कोयली वैकुंठ कहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। एक बार और बोलेंगे प्रभु जी, एक बार और बोलेंगे, कोयली वैकुंठ बोला जाता है, वहाँ पे भगवान का एक बाड़ी रहता है, जैसा हमारा घर का बाड़ी रहता है वहाँ पे, हाँ। एक बाड़ी रहता है, वहीं पे समाधि होता है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, कोयली बैकुंठ, भगवान जो जो पुराने विग्रह रहते हैं उनको वहां पर समाधि दे दी जाती है। ठीक है, अब क्लियर हो गया प्रभु जी? जी जी माता जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बाद में वीडियो जी प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, मैंने म्यूट कर दिया, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मतलब बोल रहे थे कि रिचार्ज नहीं हो पाया है, कल से ही लाइन जो है डिस्टर्ब है, तो इसलिए सुन तो नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में खत्म हो जाएगा, एकदम डेड हो गया है। तो ग्रुप में जाएगा ना सारा जितना वीडियो? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, जब आपके पास समय होगा, हाँ, व्यवस्था रहे, आराम से सुन लीजिएगा। हाँ ठीक है माता जी, जन्म सुनो। तो मंदिर के अंदर से जुड़े हुए जो कुछ रहस्य थे, कुछ तथ्य थे, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक और मुझे याद आ रहा है कि जो मंदिर का जो गुंबद है उसके ऊपर आते ही पक्षी और हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वगैरह अपनी दिशा बदल देते हैं, वो गुंबद के ऊपर से नहीं निकलते, ये मैंने सुना है। मतलब मैंने सीनियर डिवोटीज की क्लास सुनकर ही मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, जो पूर्व हमारे जो सीनियर भक्त है उनसे सुना है, वही मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, तो रथ यात्रा से जुड़ा हुआ सब कुछ क्लियर हो गया। एक और रथ यात्रा से जुड़ा हुआ पॉइंट, इतना सच में भगवान की जो कथा है ना, अनंत है। तो एक और पॉइंट आप उसमें ऐड कर लीजिए कि जो रथ है, जगन्नाथ का जो रथ है उसको नंदी घोष बोलते हैं, नंदी घोष। ठीक है, सुभद्रा महारानी का जो रथ है उसको पद्म ध्वज बोलते हैं, पद्म ध्वज। और बलदेव भगवान का जो रथ है उसको ताल ध्वज बोलते हैं, ताल ध्वज। ठीक है, ताल ध्वज, पद्म ध्वज और नंदी घोष। तो रथ यात्रा इस प्रकार से बहुत सुंदर, आज तीसरा दिन है मैं गुंडीचा मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ मायापुर में रह करके। यही होता है सच में, जो जहां रहता है ना वो वहां का एडवांटेज नहीं उठा पाता। मैं मायापुर में रहती हूँ लेकिन मैं मंगला आरती नहीं जा पाती हूँ। जब मैं उज्जैन में थी तब मैं वहां मंदिर नहीं जा पाती थी, तो ऐसा ही है। तो एक्चुअली जो मूल चीज है वो ये है कि हम लोग तो जिस पथ में आ गए हैं, हमको औरों को उस पथ में लाना है। क्यों लाना है? आप जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, एक बात, एक उदाहरण, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, नंद किशोरी माता जी, विभा माता जी, आप लोग सबसे, आप लोग जिस आनंद का अनुभव करते हैं जब आप जप करते हैं हरिनाम का, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं या जब आप प्रभुपाद की कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, ऐसा फील होता है कि हम लोग थोड़ा एडवांस्ड है। और देखो जगत में लोगों की क्या हालत है, ऐसा लगता है ना, किस गंदगी में पड़े हुए हैं लोग, कहां अपना बर्बाद कर रहे हैं, साला सब मांस मदिरा मच्छी खाते रहते हैं, हाँ, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब आपके मन में ख्याल आता होगा ना, तो ये लगता है ना, तो ये सिर्फ ख्याल आने से ही नहीं चलेगा। उन जीवों के लिए हमको अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना होता है। तो देखिए ऐसा है कि सब लोग तो रोड पे उतर उतर के प्रचार कर नहीं सकते, सबके लिए संभव नहीं, लेकिन सबको अपनी अपनी जगह में रह करके प्रचार आंदोलन में सहयोग देना है।
जैसे आप लोग दे रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ समझदार हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से प्रचार आंदोलन में कुछ सहयोग देते हैं ना, तो ये आपका प्रचार आंदोलन में अपना सहयोग है। तो श्रील प्रभुपाद तो देख रहे हैं ना कि भले ये रोड पर उतरकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, भागवतम क्लास नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रचार आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। और असल में गृहस्थों के लिए श्रील प्रभुपाद ने यही चीज बोली है कि आप प्रचार खुद नहीं कर सकते, तो आपको प्रचार करने वालों को सहयोग देना है, उससे आप भी ऑटोमेटिकली उस प्रचार आंदोलन से जुड़ जाएंगे, सहज ही जुड़ जाएंगे। और ये जो प्रचार आंदोलन है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना पवित्र पुनीत है, इस पर मैं एक बार नहीं कईयों बार बोल चुकी हूँ, दसियों बीसियों बार बोल चुकी हूँ, क्यों ये प्रचार आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है। पिता पुत्र का उदाहरण तो मैंने कईयों बार दिया है, एक बिछड़ा हुआ पुत्र है उसको अपने पिता से मिलाना कितना महत्वपूर्ण काम है, तो हमको वही करना है। धाम में रहकर केवल हम अपनी भक्ति को, एक्चुअली मैं तो खुद धाम में रह रही हूँ, लेकिन मेरी भक्ति में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बहुत बदलाव आ रहा, नहीं, ठीक है। सुबह उठ करके मंगल आरती जाना नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता। यदि भी बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर जो रोज मंगल आरती जाते हैं, रोज, मैं नहीं समझ पाती वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, कितनी बजे रात को सोते हैं कि वो लोग इतना जल्दी उठ पाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप पूरे दिन अच्छे अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, या तो वो लोग फिर दोपहर में थोड़ा सोने के लिए अलग से टाइम निकालते होंगे, 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है। क्योंकि हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है, हम लोग शीला प्रभुपाद नहीं है, वो लोग हमारी तरह बद्ध जीव नहीं थे, वो लोग नित्य मुक्त पार्षद थे भगवान के, जो यहाँ पर हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए आए थे, ठीक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मुश्किल से 2 घंटा सोते थे पूरा दिन में, पूरा दिन सेवा सेवा सेवा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे भक्ति विनोद ठाकुर पुरी में, उसके बाद यहाँ पे कृष्णानगर में, यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है कृष्णानगर मायापुर से, हाँ, उसके बाद इधर स्वरूपगंज सुरभी कुंज जहां पर हम गए थे उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि पे, वहां पर आ गए थे। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े पद पर आसीन थे अंग्रेजी शासन में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो, डीएम थे, ठीक है। तो दिन भर उनके बहुत काम होते थे, साथ ही साथ बुक्स लिखना, गीत लिखना, बहुत कुछ कर रहे थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी। तो हम लोग उतने शुद्ध भक्त नहीं है, हम उतने नित्य मुक्त भक्त नहीं है, हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग अभी उस कैटेगरी में नहीं पहुंचे। तो हम लोगों को एटलीस्ट एक प्रॉपर नींद चाहिए, एक रेस्ट चाहिए, तभी हम कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज समझने वाली हमको है वो ये है कि अगर आप धाम में रह करके भी, एक तो देखिए एक ऐसी मेंटालिटी होती है बहुत से लोगों की, अरे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना तो अपराध हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, रोज मंगल आरती नहीं जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। यद्यपि जाना चाहिए, मैं यहाँ पर विरोध नहीं कर रही मंगल आरती जाने का, जाना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने तो कहा है कि रोज मंगल आरती जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज क्या कहते थे, ये जो मंगल आरती है ना, ये एक्चुअली में ब्रह्मचारियों के लिए, जो मंदिर में जो ब्रह्मचारी रहते हैं ना, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों का ब्रह्मचर्य बना रहे,
और गृहस्थों के लिए गुरु महाराज क्या कहते थे कि गृहस्थों को एटलीस्ट 5 बजे उठ जाना चाहिए। हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, मैं भी ऑलमोस्ट 5-5:30 तक उठ जाती हूँ कभी कभार। अब जैसे परसों कल बहुत थक गए थे, कल बहुत थक गए थे तो थोड़ा सा उठने में देरी हो गया, 6:15 हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर और देर नहीं, उठ करके फिर फटाफट स्नान करके अपना सेवा में लग जाना है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर बहुत एक्यूरेट सेवा नहीं कर पा रहे हो, या एक्यूरेट आप उठ करके सीधा जप नहीं कर पा रहे हो, या सुबह सुबह आपका जप कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन आपको पूरा दिन में 16 माला कंप्लीट करना है, उनको प्रयास करना चाहिए कि हम 16 माला जप करें। अगर एक बैठक पे आपका 16 माला हो रहा है तब तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी बात है। उसके हिसाब से टाइम भी होना चाहिए व्यक्ति के पास कि एक ही बैठक पे वो 16 माला कर सके। लेकिन जिसके पास टाइम ना हो कि एक ही बैठक पे कर सके, मेरे पास टाइम नहीं होता, फ्रेंकली बोल रही हूँ, मेरे पास नहीं उतना टाइम होता घर में। यहाँ पर आज भी सुबह करीब 5:30 बजे उठे हैं, उठने के बाद प्रभु जी ना कराए फिर मैं गई, इतना सारा कपड़े धोना, नहाना, एवरीथिंग, फिर आओ बाहर आकर के कपड़े सुखाओ, भगवान की सेवा करो, थोड़ा बहुत कुछ कुकिंग वगैरह करना होता है, उस सबसे फ्री होकर के मंदिर जाओ, मंदिर से आकर के फिर एक बार दोपहर के लिए कुकिंग करो, फिर अभी फ्री हो कहाँ टाइम मिलता है उतना कि एक बैठक में आप जप कर सकूं। और सुबह जल्दी नींद नहीं खुल पाती क्योंकि रात को सोने में अगर लेट होता है ना तो सुबह जल्दी नहीं उठा जा सकता। तो कहने का जो यहाँ पे मेरा मतलब है वो यही है कि आप जरूरी नहीं कि आप सब समय, मतलब वो जो एक आचार्य ने कहा है उसी के अनुसार आप चलोगे, हमको हमारे जो वर्तमान आचार्य की बात है उसको भी मानते हुए चलना है। क्योंकि वो देशकाल परिस्थिति वाली बात पहले भी मैं एक दिन आपको समझाएगी कि जो पुराने आचार्य थे, पूर्ववर्ती आचार्य, उन्होंने उस समय की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से अपने बातें अपनी लिखी या कही थी। लेकिन जो आज के आचार्य हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, आज के विषय में बोलते हैं, आज के देशकाल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। तो यही सब है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, तो रथ यात्रा से जुड़ा हुआ तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। भगवान रथ में आते हैं, कैसे तीनों भाई बहन को लाया जाता है, फिर 7 दिन के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं गुंडीचा मंदिर, और 8 तारीख तक वहां रहेंगे, 9 तारीख को फिर उल्टा रथ यात्रा होगी और वापस भगवान आ जाएंगे अपने श्री मंदिर में। तो श्री मंदिर में जब आते हैं तब लक्ष्मी जी के जो पंडा हैं वो जगन्नाथ जी को अंदर जाने नहीं देते, तब वहां भगवान कुछ, मतलब भगवान के जो पंडा है वो लक्ष्मी जी के पंडाओं को कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ मिष्ठान वगैरह देते हैं, तब जाकर के लक्ष्मी जी के पंडा जगन्नाथ जी को मंदिर में प्रवेश देते हैं, क्योंकि वो तो श्री मंदिर है, माता लक्ष्मी का मंदिर है, भगवान कौन है, घर जमाई। ठीक है, तो ये हमारा मीटिंग एंड होने वाला है, एक और मीटिंग में आप लोग ऐड हो जाइएगा। 6 बजे लगभग हम इस मीटिंग को एंड करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग अब थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक स्नान यात्रा पर एक हमको कथा बोलनी है। ठीक है, हरे कृष्ण, आप लोग तुरंत ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए।